हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में आए आप लोगों के, और बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि जूनियर स्कूल में भर्ती आने वाली हैं और 4000 से अधिक पद होंगे। और इसके बारे में बात करेंगे, मेरिट किस तरीके से बनाई जाएगी और परीक्षा कौन कराएगा, कौन सी संस्था परीक्षा कराएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, और जिसमें कि जो 69 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट हैं या फिर जो नए स्टूडेंट हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सभी लोगों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पूरे डिस्कस करेंगे ए टू जेड पॉइंट पर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जूनियर में एडेड स्कूलों में भर्ती वैकेंसी निकलने वाली हैं, जिसका डाटा सभी BSS से सरकार ने मंगा लिया है, और कुछ लोग रह गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो वो पहुंचा देंगे। तो 4000 से अधिक पद भी हो सकते हैं यहाँ पर। और मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट जैसे कि 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बन रही है, वैसे ही यहाँ पर मेरिट बनेगी। और परीक्षा कौन कराएगा, तो इस परीक्षा को भी PNP कराएगी, जैसे कि पिछली बार TET और 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा 550 की कराई है भर्ती प्रक्रिया में। सो गाइस, प्राइमरी की तरह जूनियर में भी अब बनेगी मेरिट। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी न्यूज़ बता देता हूँ और मेन चीज़ समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले जो मेरिट कैसे बनेगी, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 10th 12th और ग्रेजुएशन और जो आपने प्रशिक्षण लिया है या BTC या BEd जो भी है, इन सभी का 10% मार्क्स लगेंगे। और जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका 60% का होगा, सेम टू सेम रहेगा 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह। असास की सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती की मेरिट परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तरह बनेगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 में 4 दिसंबर को 7वां संशोधन करते हुए भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी है। इसी के साथ मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। इससे पहले स्कूल प्रबंधन बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अनुमोदन लेकर भर्ती करते थे। नए मानक के अनुसार शिक्षक भर्ती की मेरिट के लिए अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण BTC, BEd या संपर्क डिग्री के लिए 10-10% अंक मिलेंगे। 60% अंक का अधिभार शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिले अंकों पर मिलेगा। TET या CTET में पास होना अनिवार्य है, इसके अंकों का कोई अधिभार नहीं मिलेगा। इस प्रकार बनने वाली मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। यह फॉर्मूला 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में भी लागू था। इससे पहले 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती मेरिट का निर्धारण फॉर्मूला अलग था। उसमें हाई स्कूल के अंक को 10%, इंटर को 20%, स्नातक के प्राप्त अंक पर 40% अधिभार दिया गया था। इसके अलावा BEd, BTC या समकक्ष डिग्री के लिए प्रथम श्रेणी पर 24%, द्वितीय श्रेणी के लिए 12, तृतीय श्रेणी के लिए 6% अंक का अधिभार देते हुए मेरिट तय की गई थी। कि 29,000 वाली की बात है, तो ये जो फार्मूला था भर्ती प्रक्रिया का, ये खत्म हो चुका है। नया फार्मूला 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी लोगों को बता दिया है किस तरीके से मेरिट निकालनी पड़ेगी। और तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ आप सभी लोगों को, कि मान लीजिए कि 10% कैसे निकलेगा। जैसे कि आप लोगों की मेरिट है, किसी की 71% मेरिट है, तो आप जिसका 10% निकालेंगे तो 7.1 हो जाएगा, तो 7.1 अंक जुड़ेंगे। ऐसे इंटर में मान लीजिए किसी का 81 है, तो इसका ये 8.1 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे मार्क्स लगेंगे, मेरिट बनेगी। और एक बात, TET कौन सा पास होना चाहिए, प्राइमरी का या जूनियर का? तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि जूनियर का TET पास होना चाहिए, लेवल सेकंड वाला, चाहे CTET पास हो चाहे UPTET पास हो, तो आप यहाँ पर वैलिड रहेंगे और आपको एक जॉब मिल पाएगी। तो TET अनिवार्य है। और कोई क्वेश्चन आपका बाकी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं इससे कि। और ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ पर कि जल्द ही ये भर्ती आने वाली है और उम्मीद की जा सकती है सितंबर माह में देखने को मिल सकती है इसका नोटिफिकेशन वगैरह, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह। और जैसी भी कोई अपडेट होगी इससे पहले या बाद में, तो सबसे पहले अपडेट कर देंगे आप सभी लोगों को। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप सभी लोगों को सही समय पर जानकारी मिल पाए। और तैयारी अभी से अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपको जॉब लेनी है तो।
और अपने चैनल पे भी बने रहें, जिससे कि सभी लोग स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, जिससे कि आप सभी लोगों को फ़ायदा होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।